नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी में और मैं हूं ऋतुपेश। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से है जहां पर धारा 144 और कई जगहों पर जिस तरह से इंटरनेट सेवा को बहाल किया गया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से याचिका दाखिल की गई थी उस पर अब दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। तो आपको बता दें कि याचिका दाखिल की गई थी कि इस पर कोई एक्शन ले सुप्रीम कोर्ट, लेकिन फिलहाल इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर दखल देने से, जिसमें कहा गया है कि ये मामला जो है वो बेहद संवेदनशील है और सरकार को इस पर पूरा वक्त यहाँ पर मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं इसको हटाया नहीं जा सकता है, हम किसी तरह का फैसला इस पर नहीं ले सकते हैं। तो हालात जब तक सामान्य नहीं हो जाते इस पर कोई सख्त रुख अभी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर नहीं अपना सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई नहीं जानता कि कश्मीर में अभी क्या हो रहा है और किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, और सरकार जो है वो खुद सोचे समझे और उसके बाद ही इस पर कोई फैसला ले। तो हमें भरोसा करना होगा सरकार पर, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपनी इस मामले पर, और कहा है कि कोर्ट आज अगर दखल दे देता है तो इससे कहीं ना कहीं मामले में जटिलता है वो यहाँ पर बढ़ सकती है, इसकी आशंका यहाँ पर बढ़ सकती है। तो सरकार हर दिन हालात की समीक्षा कर रही है और दो हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। तो यानी कह सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर सरकार को पूरी छूट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है कि वो खुद सोच समझ कर इस पर एक्शन ले जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं। दो हफ्ते बाद इस पर एक बार फिर से सुनवाई की जाएगी। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए R9 TV के साथ।